दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो खाता आधार कार्ड से लिंक है तो आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं खाते में नहीं होने पर भी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कौन सी सुविधा के अंतर्गत सभी जीरो खाते वालों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कौन कौन से फ़ायदे हैं जनधन खाते धारकों के लिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपका जनधन योजना में आधार कार्ड लिंक है तो आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं खाते में नहीं होने पर भी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे मिलेंगे जीरो खाते वालों को 10,000 रुपये। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना है आपका जनधन खाता कौन सी बैंक में खुला हुआ है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जनधन खाते को आज ही आधार कार्ड से लिंक कराएं, मिलेंगे 10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो खाते यानी जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाते हैं। अगर आपका खाता आधार से लिंक है तो आपको मिलेगी ये खास सुविधाएं जो प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवा के चलाई हैं। तो दोस्तों खातेधारकों को कई सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है उसके बाद भी आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है जिससे आप खाते में पैसे निकाल सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। 10,000 रुपये निकालने की सुविधा यानी जनधन खाता के कई फायदे भी हैं। जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा वह सुविधा है जिसके तहत खाता धारक खाते से तब भी पैसे निकाल सकता है जब उसके खाते में कोई पैसा नहीं हो, यानी कि खाता धारक के खाते का बैलेंस शून्य हो। अगर किसी प्रधानमंत्री जनधन खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा की शर्तें क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, इस सुविधा का फायदा लेने के लिए खातेधारक को पहले 6 महीने तक खाते में पर्याप्त बैलेंस पैसे रखने होते हैं और इस दौरान उसे समय समय पर इस अकाउंट से लेन देन भी करते रहना चाहिए। जनधन खाता खुलवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, जनधन खाता खुलवाने के लिए भी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत नो योर कस्टमर KYC की जरूरत को पूरा करने वाले दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आपको सेल्फ स्टेट फोटोग्राफ और बैंक अधिकारी के सामने अपने हस्ताक्षर करने यानी भर देना होगा। जनधन खाता खुलवाने के लिए आपको किसी भी तरह की फीस या चार्ज नहीं चुकाना पड़ता है। कोई भी 10 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का शख्स ये खाता खुलवा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ज़रूरत है और आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो आप निकाल सकते हैं जनधन खाते से 10,000 रुपये, लेकिन इसके लिए आपका जनधन खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप 10 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति ये खाता खुलवा सकता है। दोस्तों सभी को मिलेंगे 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा अगर जनधन खाते में आधार कार्ड लिंक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है आपका जनधन खाते में आधार कार्ड लिंक है या नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत